ने जो भी फैसला लिया होगा निश्चित रूप से काफी सोच समझ करके लिया होगा। ये झामुमो का फैसला है, उस पर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई संगठन निर्णय लेता है तो सारी बारीकियों को देख करके लेता है। निश्चित रूप से जेएमएम में बहुत सारे लीडर हैं, सब लोगों ने मिलकर के फैसला लिया होगा। और अब हमारी जहां तक बात है तो निश्चित रूप से इन सारी बातों से हमने अपने आलाकमान को अवगत करा दिया है और हम समझते हैं कि हमारे प्रभारी जी को जब सारी बातें बताई गई है तो चर्चा करके हम समझते हैं कल आएंगे वो, और फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि हमारा स्टैंड क्या होगा, हम क्या करेंगे, चुनाव में कैसे मदद करना है नहीं करना है, ये सारी बातों पर चर्चा। वो तो खुद से उनके पास इतनी संख्या में लोग हैं कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, इसलिए हम समझते हैं कि उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा काफ़ी सोच समझ कर लिया। गठबंधन में उनकी संख्या बहुत नहीं है, वहाँ आपकी मदद की जरूरत होती है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए जब कोई भी गठबंधन होता है तो गठबंधन में बहुत सारी चीज़ें होती है, चर्चा होती है, तभी कोई निर्णय होता है। हम समझते हैं जो दिल्ली में बात हुई होगी और जो आज का निर्णय है वो दोनों में विरोधाभास है। ये तो अगर शीर्ष नेतृत्व से कोई बात करके निकलता है, बताते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, इसके बाद यहाँ पर आने का किस तरह से संकेत दिए जाते हैं स्पष्टता के बाद? ये तो हम समझते हैं इसका बेहतर जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही दे सकते हैं। इस बार गठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है आपको, क्या? ये तो देखिए, ये पहले उम्मीदवारी अभी तय हुई है और हमने कहा ना कि हमने सारी वस्तुस्थिति से, राज्य के राजनीतिक हालात से लगातार हम लोग अपनी बात कहते रहते हैं और हमारे प्रभारी तक बात पहुंची है, वो चर्चा कर लेंगे तो हम समझते हैं कल आकर के सारी बातों के का सारी बातों के संदर्भ में आपसे भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप लोग उम्मीदवार देंगे, उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है? ये तो बहुत अभी बड़ा सवाल है। हम समझते हैं कि जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई घटना घटती है तो उसका परिणाम और दुष्परिणाम दोनों होता है। हम समझते हैं कि हमारे प्रभारी जब आएंगे तो इन सारी बातों पर जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, सब लोग बैठ करके, विधायकगण बैठ करके निर्णय लेंगे कि आगे इसको किस तरह से गठबंधन को आगे लेकर के बढ़ना है, राज्य के विकास की गति को कैसे तेज करना है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या हालात हैं और क्या उसके क्या समस्या है और क्या समाधान है, उस पर चर्चा। कांग्रेस कैंडिडेट देगी कि मतलब सरेंडर कर जाएगी? नहीं, इसमें सरेंडर करने की बात नहीं है, ये सीधी सी बात है कि जो भी बात होती है तो उस पर चर्चा होती है, उस पर डिस्कशन होता है। तो हम लोग सारे लीडर, अभी तो तुरंत से खबर आई है, सब लोग जब बैठेंगे तो हम लोग तय करते हैं। जो बात वो तो बात बनी नहीं, आपने जब कह दिया कि कांग्रेस आ रही है, नेता जब दावा करने लगे उसके बावजूद बातों को, आपको ऐसा नहीं लगता है कि 11 जगह राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 10 जगह हम राज्यसभा में जा रहे हैं तो कांग्रेस आ नहीं रही है तो क्या जा रही है? कांग्रेस आ रही है, इसलिए उसमें कहीं कोई सच हुआ की बात नहीं है। हमारे तमाम सीनियर लीडर्स राज्यसभा में जा रहे हैं सभी जगहों से, और ये कोई बहुत व्यापक विषय नहीं है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और जब चर्चा करेंगे तभी नतीजे पर पहुंच करके आपको जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई उम्मीदवार होता है तो जो भी उम्मीदवार होता है तो लोग निश्चित रूप से जब चुनाव में उतरते हैं तो बधाई और आशीर्वचन उनको मिलता है, वो समय आने पर दिया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।